1 2 3। फोन जो है पानी के अंदर भी वीडियो रिकॉर्ड कर रहा है। पानी में मैंने डाल दिया फोन को और यहाँ पर म्यूजिक जो है प्ले हो रहा है। हेलो गाइस, आज मेरे पास है रेडमी 13 5G। इसका डिजाइन देखो यार कितना मस्त है। ऐसे भी इस फोन में है IP53 का रेटिंग, इसलिए तो आज इस वीडियो में वाटर टेस्ट करके देख लेते हैं क्या ये फोन वाटर प्रूफ है कि नहीं। ऐसे भी वाटर टेस्ट करने से पहले इसका कुछ बेसिक टेस्ट कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो इसका फिंगरप्रिंट सेंसर जो है वो बढ़िया काम कर रहा है। उसी के साथ इसका वॉल्यूम अप एंड डाउन बटन जो है वो भी सही से काम कर रहा है। उसी के साथ आप यहाँ पर देख सकते हो इसका जो टॉर्च लाइट है वो भी सही से जल रहा है। वो ये फोन सिंगल स्पीकर के साथ आता है और ऐसे कुछ आपको साउंड क्वालिटी सुनाई देगा। देन इसका कैमरा भी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इसका बैक कैमरा से एक फोटो क्लिक करते और सेल्फी कैमरा से भी एक फोटो क्लिक करते। तो यहाँ पर बैक कैमरा और सेल्फी कैमरा देख लीजिए, दोनों जो है वो बढ़िया तरीके से काम भी कर रहा है। तो चलिए अब फोन को पानी में डाल के देख लेते हैं ये फोन वाटर प्रूफ है कि नहीं। तो यहाँ पर फोन को मैं डब्बे के अंदर रख देता हूँ और मेरे पास 1 लीटर पानी है तो इसको मैं डालता हूँ। तो चलिए यहाँ पर स्टॉप वॉच को मैं स्टार्ट में क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पर पानी को मैं डालता हूँ। 1 2 3 सारा पानी मैंने डाल दिया। तो चलिए यहां पर 1 मिनट तक फोन को ऐसे पानी में रख देते, उसके बाद एक्सट्रीम लेवल में इसको टेस्ट करेंगे। एक डिस्क्लेमर है, आप ऐसी हीरोगिरी घर में मत करो, आपका फोन डैमेज हो सकता है। ऐसे भी ऐसे टेस्ट करने का जरूरत आपको नहीं है, इसी वीडियो में आपको पता चल जाएगा फोन डैमेज होता है कि नहीं, क्योंकि जब फोन बारिश में भीगेगा या पानी में गिरेगा फोन में कुछ दिक्कत आएगा कि नहीं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 1 मिनट जो है कंप्लीट हो गए और यहाँ पर फोन को यहाँ पर मैं पलट देता हूँ और आप यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर पानी में जो है फोन काम नहीं कर रहा है, यहाँ पर बबल्स वगैरह बहुत सारी आ गए फोन के ऊपर। वेल यहाँ पर सबसे पहले एक्सट्रीम लेवल में टेस्ट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पर टच में इशू आ रहा है भाई, ऐसा कुछ इधर उधर टच हो रहा है। तो चलिए इसको थोड़ा सा क्लीन कर लेता हूँ मैं, थोड़ा सा क्लीन कर लिया। वेल एक्सट्रीम लेवल में टेस्ट करने के लिए सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर एक वीडियो रिकॉर्डिंग को ऑन करते हैं। तो यहाँ पर बैक कैमरा से आप फुल HD 30 FPS वीडियो को रिकॉर्ड कर पाओगे। तो वीडियो रिकॉर्डिंग ऑन कर दिया और यहाँ पर आप देख सकते हो टाइमर भी स्टार्ट हो गए। यहाँ पर पानी के अंदर डाल देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो फोन जो है पानी के अंदर भी वीडियो रिकॉर्ड कर रहा है। ये चीज मुझे बहुत ही अच्छा लगा है भाई। यहाँ पर माइक वगैरह सब कुछ जो है ऑन है। वेल यहाँ पर पानी से बाहर निकल लेते हैं और वीडियो रिकॉर्डिंग को स्टॉप करते हैं आपके सामने। तो चलिए यहाँ पर साउंड को ऑन करके यहाँ पर पानी के अंदर डालते हैं। तो यहाँ पर यूट्यूब जो है फिर से रिलोड कर रहा है, ये चीज अच्छा नहीं है भाई। एक म्यूजिक को मैं चूज कर रहा हूँ भाई, यहाँ पर म्यूजिक को मैंने चूज कर लिया और ऐसे म्यूजिक को प्ले करके यहाँ पर पानी के अंदर डालते हैं आपके सामने। 1 2 3 पानी में मैंने डाल दिया फोन को और यहाँ पर म्यूजिक जो है प्ले हो रहा है। थोड़ा नजदीक लेकर आपको साउंड सुना देता हूं। स्पीकर से बबल आ रहा है, अगर आप गौर से देखोगे तो आपको पता चलेगा। इसको पानी से बाहर निकल लेते हैं और साउंड भी सुन सकते हो यार, चल रहा है बढ़िया, लेकिन इधर उधर बहुत टाज हो रहा है। चलिए यहाँ पर फ्लैश लाइट को ऑन करके पानी में छोड़ देते हैं। पानी में मैंने छोड़ दिया यार, फ्लैश लाइट ऑन है। इसको बाहर निकल लेते हैं और इसको क्लीन करके टेस्ट करके देख लेते हैं भाई ये फोन सही सलामत है कि नहीं। तो यहाँ पर फ्लैश लाइट को मैं सबसे पहले ऑफ कर देता हूँ, स्टॉप वॉच को स्टॉप कर देता हूँ। तो चलिए क्लीन कर लेते हैं। यार ऐसे वीडियो बनाने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत लगता है और बहुत रिस्क भी लेना पड़ता है। अगर फोन डैमेज होगा तो मेरे जिप से पूरी की पूरी फोन का पैसा भी चला जाएगा। यार आप लोगों के लिए मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ तो एक लाइक तो बनता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो फिंगरप्रिंट सेंसर जो है वो सही सलामत काम कर रहा है और यहाँ पर वॉल्यूम बटन जो है वो भी सही सलामत काम कर रहा है। तो चलिए बस स्पीकर का हालत क्या है वो देख लेते हैं। साउंड जो है ना बहुत दब गया है और यहाँ से पानी जो है वो निकल रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हो। चलिए आप यहाँ पर टच में इशू हो रहा है कि नहीं, तो क्लीन करने के बाद टच में जो इशू वगैरह नहीं होता है। देन कैमरा को चेक करते हैं, एक फ़ोटो क्लिक करते हैं बैक कैमरा से और यहाँ पर सेल्फी कैमरा से भी एक फ़ोटो क्लिक कर लेते हैं।
तो यहाँ पर आप देख सकते हो दोनों कैमरा से आप शानदार फोटो ले सकते हो और यहाँ पर कैमरा ग्लास में भी पानी का बूंद वगैरह नहीं है। अब फोन को मैं चार्ज में लगाता हूँ और चार्ज हो रहा है कि नहीं वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो फोन जो है चार्ज हो रहा है। उसके साथ फ्लैश लाइट को भी ऑन करते हैं। यहाँ पर आप देख लो फ्लैश लाइट भी चल रहा है क्योंकि फोन जो है ओके कंडीशन पर है। यहाँ पर अभी तक कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आए, लेकिन मैंने देखा यार बहुत सारी फोन जो है बाद में जाकर प्रॉब्लम आता है। तो इस फोन में अगर बाद में जाकर प्रॉब्लम आता है तो मैं फुल रिव्यू में जरूर बताऊंगा। अगर आप इसकी फुल रिव्यू देखना चाहते हो और ऐसे नया नया फोन का वाटर टेस्ट वीडियो देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहिए। यार ये तो था Redmi 13 5G का वाटर टेस्ट। मुझे पूरी उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगा है तो एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहिए।